हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटीफुल लाइफ। स्वागत है आपका मेरी चैनल ब्यूटीफुल लाइफ में। और आप देख सकते हो मीकू मीकू को मैंने ऊपर बेड में, वो सो रही थी तो मैं उसे नीचे लेके आ गई, तो नीचे सोफे में भी वो सो गई। मैंने उसे स्कूल स्कूल वैन में रेडी करके स्कूल भेज दिया है फ्रेंड्स। और हाँ, मैं आज सीधे आऊँगी मेरी रेसिपी में। दोपहर में लंच टाइम में जो रेसिपी बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने बनाई थी पीली मूंग दाल की सब्जी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक कटोरी पीली मूंग दाल ले ली है। नॉर्मली हम इसे हम गुजराती इसे इससे खिचड़ी भी बनाते हैं, लेकिन इसकी सब्जी भी बहुत ही अच्छी बनती है पीली मूंग दाल की। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो आप देख सकते हो मैंने मूंग दाल को भिगो दिया है। मैं इसे मूंग दाल को 5 से 7 मिनट तक, बहुत नहीं, लेकिन आप थोड़ी देर उसे भिगोने रख दो साइड में। तो मैं उसे 5-7 मिनट भिगोऊंगी। और यहाँ पे मैं मूंग दाल की तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने लहसुन 6 से 7 लहसुन ले लिए है। उसे मैं इस तरह से कूट लूंगी। वैसे तो मेरे पास कटर है, मिक्सी भी है, लेकिन कभी कभी इस तरह से कूटने से स्वाद जो टेस्ट होता है एकदम डिफरेंट आता है, थोड़ा सा अलग आता है। तो मैं आज इस तरह से कूटती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची भी ले ली है, 3 हरी मिर्ची ले ली, उसको भी मैं अच्छे से कूट लूंगी इस तरह से। और लहसुन को भी मैं ऐसे कूट लूंगी। इस सब्जी में लहसुन और मिर्ची दोनों जाएगी। और आप देख सकते हो मैंने गैस ऑन करके प्रेशर कुकर में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल मेरा गर्म होगा, उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून राई ऐड करूंगी, उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करूंगी, और उसके बाद थोड़ी सी हींग ऐड करूंगी। और उसके बाद जो लहसुन और हरी मिर्ची की कूट के मैंने पेस्ट तैयार की थी वो ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज की पेस्ट बना दी है, 2 प्याज के काट के उसकी पेस्ट रेडी कर दी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है। तो सबसे पहले राई, जीरा, थोड़ी हींग, लहसुन मिर्ची की पेस्ट और प्याज हम ऐड कर देंगे। कुटी हुई प्याज की जो पेस्ट हमने बनाई थी वो ऐड कर देंगे, मैंने बनाई थी वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने नीम के पत्ते लिए हैं, मीठे नीम के ये पत्ते लिए हैं। उसके बाद जो मूंग दाल थी जिसे मैंने भिगो के रखा था वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है। मूंग दाल अच्छी तरह से वॉश कर ली है मैंने, अब इसे हम ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 3 हरी मिर्ची डाली है, और ये मेरी दोनों बेटियों के लिए मैं 1 वीक में तो एक बार बनाती ही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसलिए इसमें मैं बहुत तीखा नहीं बनाऊंगी, इसमें मैं रेड चिली पाउडर यूज नहीं करूंगी। आप चाहे तो, आपको स्पाइसी बनाना है तो कर सकते हो, मैंने नहीं डाली लाल मिर्ची इसमें। और आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा धनिया वॉश करके इसमें डाल दिया है, इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में 2 टेस्ट नमक ऐड कर दूंगी मैं। और ये हमें रस्सी वाली नहीं चाहिए, थोड़ी सी हमें ड्राई चाहिए। इसलिए आपने देखा मैंने एक छोटा सा चाय का कप लिया था, वो इतना ही पानी मैंने उसमें ऐड किया है। और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मैं 2 से 3 सीटी लगा लूंगी। और 2 से 3 सिटी में हमारी जल्दी जल्दी क्विकली ये पीली मूंग दाल वाली हेल्दी सब्जी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये कुक हुई है। इसके साथ मैंने रोटी बनाई थी, आप रोटी या पराठा कुछ भी बना सकते हो। और हाँ, इसके साथ आपके बच्चे को दही पसंद है या दही का सलाद पसंद है, तो इसके साथ वो दही बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बच्चों के लिए ये हेल्दी भी रेसिपी है, तो पीली मूंग दाल की सब्जी आप बच्चों के लिए बना सकते हो, अपने लिए भी बना सकते हो। तो दोपहर में लंच की रेसिपी में आज की मेरी यही सब्जी थी फ्रेंड्स।
ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली, प्रेशर कुकर में बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्जी, तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं वीक में एक बार बनाती ही हूँ, क्योंकि सभी तरह की दाल बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। मिको आ कुकन खावानू आप से। ओके ओके मेको फल की खवड़ा जी। ओके 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 मैं यहाँ पे चाय बनाने आ गई हूँ, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं चाय बनाने आ गई हूँ। और चाय को अदरक वाली चाय बनाऊंगी मैं। चाय को अच्छे से कुक करूंगी मैं। हमेशा चाय के साथ कुछ नाश्ता प्रीफर करती हूँ। अकेले चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, कुछ ना कुछ तो मैं खा लेती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम सीधे आते हैं डिनर रेसिपी में। तो डिनर में मैंने बनाया था भूंगरा बटाटा, वो हमारी गुजराती रेसिपी है, भावनगरी भूंगरा बटाटा रेसिपी बहुत ही फेमस है गुजरात में। तो ये मैंने घर पे बनाया था, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चार बड़े और एक छोटा, ऐसे मैंने पांच आलू ले लिए हैं। ये आलू की सब्जी बनती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है ये रेसिपी। आपको अच्छी लगे तो आप जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और हाँ, इसे हम पहले तो कुक करने रख देंगे, और जब तक ये कुक हो, आलू कुक होंगे, तब तक यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 8 से 9 कड़ी लहसुन की पेस्ट, थोड़ी ज्यादा इसमें जाती है तो लहसुन की पेस्ट क्रश करके तैयार कर दी है। हरा धनिया मैंने अच्छे से काट के उसे धो दिया है, और साइड में वो मूंगफली की पेस्ट मैंने तैयार की थी। यहाँ पे हम मसाला बनाएंगे, तो आप देख सकते हो मैंने कटोरी में 1 टेबल स्पून बेसन लिया है। उसके बाद जो लहसुन की पेस्ट मैंने बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं यूज करती हूँ, कश्मीरी मिर्ची यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले लिया है, और धनिया पाउडर थोड़ा सा ले लिया है, 2 टेस्ट नमक ले लिया है इसमें, और थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें, बहुत नहीं, थोड़ा सा पानी जाएगा, और ये पेस्ट हम बना देंगे इस तरह से। इसमें नमक जाएगा, लहसुन जाएगा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जाएगा, और इसका मसाला तैयार है। और आप देख सकते हो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने तेल रख दिया है गरम करने के। बाजू वाली जो कढ़ाई है मेरी, उसमें मुझे जो भूंगरा आते हैं, वो पीले वाले जो आते हैं, उसे फ्राई करना है, तो मैंने तेल गरम करने के लिए वो भी रख दिया है। और यहाँ पे आलू अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, मैंने इस आलू का छिलका निकाल के इसे इस तरह से काट भी लिया है। इसका मसाला भी तैयार है, अब हम तड़का लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने 1 टेबल स्पून जीरा ऐड किया था, और जो पेस्ट हमने बनाई थी लहसुन मिर्ची वाली, वो पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम एकदम स्लो है अभी, एकदम स्लो गैस पर ही हमें इसे कुक करना है। और जो मूंगफली की पेस्ट बनाई थी उसे मैंने ऐड कर दिया है, लहसुन और मिर्ची वाली पेस्ट में, और इसे अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे हम कुक होने देंगे। यहाँ पे जो पीले वाले भूंगरा आता है वो मुझे फ्राई करने हैं, तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और फिर आलू हम ऐड कर देंगे, आप देख सकते हो
सारी पेस्ट हम अच्छे से लेके लास्ट में 2 टेबलस्पून पानी लेके आलू वाली सब्जी में ऐड कर देंगे और फिर अच्छी तरह से इसे वेल मिक्स कर देंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का रस लिया है और इसे अच्छी तरह से वेल मिक्स करके और हरे धनिए से मैंने गार्निश भी कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो भुंगरा बटाटे की रेसिपी है, तो बटाटे आलू की सब्जी हो गई है। और ये पीले वाले जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इसे बोलते हैं भुंगरा बटाटा, तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम फुल फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और अच्छे से ध्यान से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो मैंने जो इस टाइप का चिपिया आता है, इस टाइप का हैंडल वाला आता है, वो लिया है क्योंकि हमें अच्छे से जो ऑयल है उसे निकाल देना है अच्छे से। इस तरह से आप इसका यूज करना, आपके पास होगा ही, ये रोटी के लिए हम यूज करते हैं। तो इससे अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे और सारा तेल निकल जाएगा। जब हम कुछ फ्राई करते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे ना आ जाए, क्योंकि किचन में ऐसी फ्राई फ्राई आइटम हम बनाते हैं तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें भी कहीं लग ना जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे फ्राई कर दिए हैं। ये आलू की सब्जी के साथ खाए जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कभी आप रेसिपी ट्राई करके देखना, इसे भूंगरा बटाटा की रेसिपी बोलते हैं। और ये आलू वाली सब्जी स्पाइसी होती है, तो इसके साथ इसे मिला के खाते हैं। तो ये थी मेरी डिनर रेसिपी फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लंच रेसिपी में आपके साथ मैंने पीली मूंग दाल वाली रेसिपी शेयर की और डिनर रेसिपी में आपके साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की। आप एक बार जरूर से ट्राई करना और आप देख सकते हो। अभी होमवर्क टाइम है तो मेरी बड़ी बेटी चीकू मिकू को होमवर्क करा रही है। उसे थोड़ा सा, मैं काम कर रही थी तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा करवा लो, तो चीकू करा रही है होमवर्क। यही था आज तक का मेरा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पसंद आया होगा।